काफी नकवी हमारे साथ मौजूद है और आज हमें वो बता रही हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़ नकवी और आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ। अक्सर लोग कहते हैं योगा बहुत स्लो एक्सरसाइज है, पता नहीं ये वर्क करती भी है कि नहीं। एक्सरसाइज है, योगा है, एक लाइफस्टाइल है, या कि चार एस्पेक्ट पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो इसी तरह ये मेंटल एस्पेक्ट को भी आपके साथ ही अलाइन कर रहा होगा। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, इंशाल्लाह आपने उसको परफॉर्म करना है तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या काम की वजह से परेशान है, कोई भी वजह हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, योगा पोजेस को परफॉर्म करें, आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई भी अपनी जो फेवरेट हो वो आपने रोज़ाना बस अपने सामने एक चीज़ को दोहराते रहना है, मिरर के सामने, अपने सामने, और उसको मेंटली बोलते रहने उस चीज़ को, वो सजेशन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा और वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं योगा पोजेस की तरफ कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी लेग्स को इस तरह से फोल्ड किया, लेग्स को फोल्ड करने के बाद आपने अपनी बैक को आर्च में लेकर जाना है। आर्च में यहाँ कुछ देर स्टे के बाद वापस आए नॉर्मल पोजिशन में, अगेन आर्च में एंड एक्सहेल नॉर्मल पोजिशन में। इस चीज़ को आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा या 1 मिनट तक आप इसको इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं, सुकून के लिए, पीस के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल इस तरीके से आसानी से। अब हम आएंगे वज्रासन में, लेकिन वज्रासन के साथ एक वेरिएशन होगी। आप जैसे ही इस पोज में आ गए, आपने अपने हाथों को किया यहाँ पे लॉक, लॉक करने के बाद आपने बेंड करना है फॉरवर्ड। चाहें तो आप अपना स्कैल्प अब बिल्कुल नीचे फ्लोर पर लगा सकते हैं या अपना सर आप अपने फ्लोर पर इस तरह से लगा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, या 30 सेकंड्स आप इसमें होल्ड करेंगे या 1 मिनट आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। आपको ये अलाइन कर देगा, आप में वननेस लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो अगर इसको परफॉर्म करना उनको मुश्किल लग रहा है तो आप चाइल्ड पोज को ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर आप अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज भी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप परफॉर्म करें। किस तरीके से, आपने पीछे बिल्कुल आप अपने मैट पर इस तरीके से आ जाएंगे और आपने अपनी नी को इस तरह से ग्रैब किया। यहाँ ग्रैब करने के बाद एक हाथ अपना वहाँ रखेंगे और अपनी नेक को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग पर गौर करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। चाहे तो आप अपनी नेक को मूव भी कर सकते हैं और अपनी लेग को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि आपके लिए टोनिंग के लिए भी काम करता रहे, ये आपको आपके सिस्टम को अलाइन कर देगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, कोबरा 2 चाइल्ड्स पोज। किस तरह से होगा कि आप कोबरा के साथ साथ चाइल्ड्स पोज में जाएंगे, किस तरह से, आपने जैसे ही अपना स्टांस लिया कोबरा में जाने के लिए, कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज, अगेन कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज, इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप इसको इस चीज़ को परफॉर्म करें, आप जितने स्ट्रेस्ड आउट थे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। इसके अलावा वो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को अगर डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं या अपनी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका जो ये एरिया है वो स्टिफ हो चुका है, तो आपने क्या करना है, चाइल्ड पोज में जिस तरह से जाते हैं आपने अपना एक हाथ जो है इस साइड पर इस तरीके से निकालना है और रिलैक्स होना है यहाँ पर, या अपनी नेक को इस तरीके से आप यहाँ सीधा भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको फील होगा कि आपकी जो एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है, ऐसे योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, दिखने में एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज लगती है लेकिन इसमें हर आसन, हर पोज का एक अपना मतलब है और एक अपना बेनिफिट है, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको जैसे ही परफॉर्म करना आप फील करेंगे आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो रही है और आप अच्छा फील करना शुरू हो गए हैं। जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शायद आपको एक बर्डन फील हो रहा था या आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेंटल स्टेट को नॉर्मल करने के लिए, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको, तो उसको हम कोप करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ।
आपने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनली ट्रेडिशनली इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ाहिर है बिगिनर हैं तो आराम से अपना एक हाथ इस लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे, इस नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। रिमेंबर, ये चीज़ करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म करना है, 10 से 12 दफ़ा या एक मिनट तक परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी वॉल के साथ, किसी वॉल के साथ या किसी जगह पर आप टेक लगा सकते हैं ताकि आप थके ना, लेकिन आपका पोस्चर सीधा रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट चाहते हैं कि वो सही हो जाए, बेहतर हो जाए, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप थके हुए हैं, या आपका ये एरिया जो आपको लग रहा है स्टिफ हुआ है, ये इसे हम मास्टर एरिया इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले असर इस जगह पर होता है। किसी भी चीज़ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपके इस एरिया को पर आपको एक स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये परफॉर्म किया अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है एक मिनट तक, या 30 सेकंड से शुरू करके एक मिनट तक ले जाएं, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहरा सकते हैं, या कोई भी 2 एक्सरसाइज जो आपको इसमें से आसान लगे आप इसको पिक कर सकते हैं और अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होंगी। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा और मेरी तरफ से आपको योगा फॉर मेंटल हेल्थ की इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।